गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम SST की क्लास में लेसन नंबर 8, जिसका नाम है सोयल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, यानी मिट्टी और फसल का उत्पादन। मिट्टी और फसल का उत्पादन, ये इस पार्ट का नाम है। तो इस लेसन के अंदर सोयल के बारे में बताया गया है, मिट्टी के बारे में बताया गया है कि मिट्टी कैसी होती है, कैसे कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, और फिर कितने प्रकार की आगे मिट्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, सोयल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय है, जिसका दोबारा दोबारा से यूज हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स यानी प्रकृति संसाधन है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। मिट्टी जो है वो पौधों को उगने में और जीवों को रहने के लिए क्या देती है, सपोर्ट करती है, ग्रोथ करती है उनकी, और ये एक माध्यम है। ठीक है, आगे है फिर, द सोयल इज़ अ लिविंग सिस्टम। मिट्टी जो है एक जीवन प्रणाली है। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर टू ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक एंड मॉइस्चर, नमी की। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सोइल। तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिल जाती हैं, मिट्टी से मिल जाती है। मिट्टी के अंदर नमी भी होती है और मिट्टी के अंदर पोषक तत्व भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इट इज़ फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो मिट्टी है ये धरती की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, टेप टॉप ऊपरी लेयर सतह परत। ठीक है, धरती के ऊपरी सतह पर ये परत पाई जाती है। दी सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ विदरिंग। मिट्टी अपक्षय की एक प्रक्रिया है। ठीक है, विदरिंग रेफर्स टू दी डीके एंड डिसइंटीग्रेशन। मिट्टी जो है वो ये अपक्षय की जो प्रक्रिया है ये कैसे बनती, कैसे होती है, ये डीके क्षय और विघटन से। चट्टानों का, धरती पर जो चट्टान है वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उससे क्या बन जाती है, हमारी मिट्टी बन जाती है। इट इज़ प्रोसेस दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये जो प्रोसेस है मिट्टी बनने की, ये लगभग हजारों सालों में बनती है। वेरियस फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर्स एंड डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। मिट्टी को बनने में जिन कारकों का हाथ है वो है तापमान, रनिंग ऑफ वाटर, ग्लेशियर, हवाएं, डिकम्पोजर इत्यादि। ठीक है, आगे है फिर टाइप्स ऑफ सोयल, कि मिट्टी के कितने प्रकार हैं। मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। द थिकनेस ऑफ द सोयल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मिट्टी की जो मोटाई होती है, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, मोटाई वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, यानी प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल ऑल्सो नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस। मिट्टी की जो उपजाऊ है, उर्वरता है, वो हर स्थान पर अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। इन इंडिया वी हैव 5 मेजर टाइप्स ऑफ सोयल। भारत के अंदर 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 टाइप्स। एल्यूवियल सोयल, सबसे पहले हम एल्यूवियल सोयल की बात कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे क्या होती है, उर्वरक उपजाऊ मिट्टी होती है। एल्यूवियल सोयल, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड फर्टाइल सोयल। जो ये है एल्यूवियल सोयल है, ये क्या है, सबसे उपजाऊ और व्यापक तरीके से फैली हुई मिट्टी है। ज़्यादातर इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो मिट्टी है ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में कौन कौन सा हिस्सा आता है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये आते हैं हमारे। आगे है फिर,
a large number of rivers coming from the Himalaya mountain being sand and silt with them. A large number of rivers, नदी काफ़ी सारी नदियाँ पहाड़ों से होती हुई आती हैं यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में, और वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सैंड, रेत और सिल्ट, मैंने गाद इस तरह की मिट्टी लेके आती हैं. When the rivers are in flood, जब नदियों में बाढ़ आ जाती है, they deposit these material along their banks. जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के साथ वो क्या करते हैं, वो अपने साथ अपने बैंकों में इस तरह के मटेरियल जैसे सिल्ट हो गई, इस तरह की चीज़ें जमा कर लेते हैं. द सोइल विद दिस मटेरियल इज कॉल्ड एल्यूवियल सोइल, और इस प्रकार के मटेरियल को ही क्या कहा जाता है, एल्यूवियल यानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है. अ वेराइटी ऑफ क्रॉप लाइक राइस, वीट, मेज, शुगर केन, पल्सिस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन द एल्यूवियल सोइल. जो एल्यूवियल सोइल है, मिट्टी है ये जलोढ़, इसमें किस प्रकार की फसलें होती हैं, किस तो यहाँ पे आती हैं राइस, वीट, मेज, शुगर केन, पल्सिस इत्यादि. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.